हेलो गाइस, स्वागत है सर गेमिंग में। और यार आज बताऊंगा वीट फार्म। और यार ये जो फार्म है यार फुली ऑटोमेटिक है। इसमें बनाते कैसे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ आपको कि ऑटोमेटिक कैसे है। मतलब आपको कुछ उगाने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। बताऊँ कैसे, तो अपन चलते थे। ओ गिर गया मैं। अब देखो क्या करना है, इधर अपने एक बटन दे रखा है इस जगह। आप जैसे बटन दबाते हो तो देखो पानी की धारा वहाँ से आती है, आ गई धारा पानी की। और ये जितने भी सीड है ना वो चल जाएंगे इस पानी में, और इस पानी से अपन ने होपर लगा रखी है। और एक बार आप बटन प्रेस करोगे तो वो पानी वहाँ से जो है वो सारे पानी रोक देंगे। अब जैसे पानी जाने के बाद देखो ये जितने भी अपने फार्मर है ना, इनका बस यही काम है, ये तुरंत लगा देंगे। अपन को कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। ये देखो फार्मर लगाने लग गए। आपको सिर्फ इकट्ठा करना है। इकट्ठा कहाँ करोगे, आ जाओ इधर इधर। ये देखो ये पेटी रख रखी है अपन ने, ये नहीं, इनको आप खोलो। और ये आप चेक कर सकते हो, इसमें देखो ये आ गए जितने भी सीड हैं, जितने भी बेट रूट हैं, जिसमें भी वीट आई है। सीड्स आ जाएंगे उगने के बाद, वीट आ जाएगी। इस चेस्ट में अभी नहीं आया क्योंकि इस चेस्ट में शायद अभी भरा नहीं होगा, या होपर का सिस्टम होगा। देखो इसमें तो भर रहे हैं आकर, तो मतलब फुल ऑटोमेटिक है। तो अब यार इसको बनाया कैसे, या किस तरह ये काम कर रहा है, देखो देख लो इन्होंने। अब अपन कुछ नहीं करा ना, अपन तो आराम से खड़े थे, जितना हुआ इन्होंने लगा दिया। धीरे धीरे और लगा देंगे ये, देखो लगा रहे ना, इन्होंने भी लगा दिया। अब ये जो मतलब जो मिट्टी है ना, अब यहाँ पर ये क्या ख़राबी है कि शायद गीली नहीं हो पा रही मिट्टी सही ढंग से। देखो सूखी है ना, इसलिए ये लोग यहाँ पर नहीं लगाते। जहाँ पर गीली मिट्टी होती है ना तो तुरंत लगा देते हैं। तो अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको एक बार बताऊंगा इसका भी पूरा सही ढंग से, कि क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है इनकी लगाने की। और अभी आप देखोगे यार, मैं कल देख रहा था तो यहाँ पर है ना केट स्पॉन हो गई थी। मतलब केट अगर स्पॉन हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि अपने आयरन गोलम भी स्पॉन हो सकते हैं। तो अब इसका तो मैं देखाऊंगा आयरन गोलम स्पॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन ये देख सकते हो आप कि देखो अपने आप ये बिल्कुल लगा देते हैं। आप देखो पूरा इन्होंने लगा दिया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। अब मैं अगर वापस से बटन दबा दूंगा ना तो देखो वापस से लगा देंगे। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो मैं बटन दबा देता हूँ, तो पानी आया। ये देखो सारा बहवा के ले जाएगा, ये आया पानी। ये मैं वापस से दबाऊंगा तो पानी बंद हो जाएगा, पानी वहाँ से बंद हो गया। देख लो पानी बंद हो गया। अब जैसे जैसे होगा ये अपने आप लगाते जाएंगे, इनका यही काम रहता है। और अपना तो काम देखो लगाना स्टार्ट कर दिया, इसने तो लगाना स्टार्ट कर दिया, इस ये भी कर देगा। और अपन जाके चेक करते हैं कि भाई कितना इकट्ठा अपन ने अभी तक हो गया। तो इस चेस्ट में 53 करीब था, तो 60 हो चुके, 61, 62, 63, 64। तो मतलब बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे। तो आप इसको यार बहुत मेगा बना सकते हो, समझ लो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेगा कर सकते हो। और देखो जैसे मैं ऊपर आया ना, अपने आप इन्होंने लगा भी दिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ क्रिएटिव में और आपको बताता हूँ कि यार किस तरह लगाते हैं। तो देखो आपको दो चीज़ चाहिए होती है, कभी भी कोई फार्म में आप जाओ ना, कभी भी आप कोई वर्ल्ड खेल रहे हो, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एक बेड की, कि बेड होना चाहिए। और एक इनका जो ये है कंपोस्टर, ये होना चाहिए। ये दो चीज़ लगा दोगे ना तो आपका कोई भी फार्मर वर्क करने लग जाएगा। एक बेड लगा दो, एक वो लगा दो। तो अब मैं क्रिएटिव में चलता हूँ और आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक बहुत बेहतरीन जो मैंने देखी आपको, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी आगे चल के। तो मैंने लगाई थी ये चीज़, ये वाला बना रहा था मैं, देखो उधर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था। देखो मैंने इतने सारे फार्मर स्पॉन करे और नीचे जो ज़मीन है ना उसको मैंने लगा दिया, ऐसे भूकंप आ रहा हो मान लो, समझ रहे हो भूकंप कैसे आ रहा है। देखो ये इस तरह आ रहा है भूकंप। अब अपन चलते हैं नीचे, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो अब देखो चल ही नहीं गया यार, मशीन तो चल जानी चाहिए। देखो देख लो अपने आप लगा रहे। अच्छा उधर से नहीं चल रही, उधर से चाहिए, टूट गया। रेड स्टोन टॉर्च लगाना पड़ेगा, एक सेकंड वो भी लगा देता हूँ मैं, रेड स्टोन टॉर्च। तो ये रेड स्टोन टॉर्च ले लेते हैं अपन और ये कनेक्ट कर देते हैं। क्या हो गया, चल गया ना।
अरे गलत लगा दिया, इसको लगाना था इधर, ये देखो चल गया। अब देखो आप नीचे आके जब एक बार देखोगे ना तो देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो ज़मीन की तरफ देखो एक बार आप, ये देखो लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, मतलब ज़मीन हिलती है जब अपने आप हट जाता है ना सीड, तो अगर आप देखो ना तो देखो कितनी जल्दी लगा रहे हैं और कितनी जल्दी हट रहा है। तो आप ऐसा मेगा सा बना सकते हो, अगर मैं ये फेंक भी दूँ ना और मैं अगर इधर खड़ा हो जाऊँ उनके बीच में तो ऑटोमेटिक ये इंक्रीज़ हो जाएगा मेरे पास। ये देखो जैसे हट रहा है ना वैसे लगाए जा रहे हैं, मतलब इनके पास जो फार्मर है ना इनके पास अनलिमिटेड सीड होते हैं, खेने का सीधा सीधा सा अंतर यही है। आप जाकर ये चीज़ कर सकते हो, अगर आप ऊपर से देखो ना तो हकीकत में देखो ये हिल रहा है, सीड हट रहे हैं, जो जितना जितना हट रहा है सीड हट रहे हैं और वापस से लगा भी रहे हैं, देख लो लगाते हुए दिख जाएंगे आपको। तो अपन इससे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बंदे को मैंने हटाया तुरंत लगा दिया इसने, मैं हटाऊँगा तुरंत लगा दूँगा, लगा देता है। इसी तरह वहाँ पर भी वही सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ पर था अपना, ये वाला होगा, नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला। अब देखो इन्होंने लगा भी दिए होंगे, ये देखो मैं तो आता हूँ सिर्फ बटन दबा देता हूँ, मेरे तो उगते भी नहीं है अभी पूरे, अगर मान लो ये पूरे उग जाएँ तो बोल सब कुछ मिल जाए। तो बस यार आज के लिए इतना ही, इसमें अपन ने टोटल औसम सा बनाया है, और अगर तुम्हें पसंद आती हो तो लाइक मारना, सब्सक्राइब मारना, और आगे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे फार्म के ऊपर।